आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कोई भी इंसान ज्यादा उम्र तक यंग कैसे दिख सकता है, 40 की उम्र में 24 के कैसे दिख सकते हो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसी चीजें बताई जाने वाली है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम शायद दिन में कई बार ऐसी कोई ना कोई लाइन सुनते होंगे कि किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, और ये लाइन सुनने के बाद हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि सही बात है यार, इंसान दिखने में भले ही अच्छा ना हो लेकिन उसके विचार जरूर अच्छे होने चाहिए। पर तुम्हें जान के अफसोस होगा कि ये तो सिर्फ सिक्के की एक साइड है, अगर तुम सिक्के की दूसरी ओर देखोगे तो सच कुछ और ही नजर आएगा। $18 बिलियन ये स्नैपचैट की 2024 की नेटवर्थ है। और मैं तुम्हें बता दूं कि स्नैपचैट वही कंपनी है जिसने पहली बार सोशल मीडिया कैमरा में फिल्टर का इन्वेंशन किया था। तुम जो ये खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, गोरा दिखने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर सोशल मीडिया पे यूज करते हो, उसका आविष्कार स्नैपचैट ने किया था। और आज 2024 में उसकी नेटवर्थ $18 बिलियन है। इससे ये बात तो साबित हो गई है कि तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है वो तो लोग बाद में देखते हैं, सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। ये सोशल मीडिया वाले लोगों को रियल में देख लिया जाए तो इनमें जमीन और आसमान का फर्क दिखने लगता है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि खूबसूरत दिखने के लिए लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने चेहरे के ऊपर कुछ भी लगाते हैं, और आखिर में इन सब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आता है कि तुम्हारा चेहरा जो पहले थोड़ा बहुत खूबसूरत दिखता था वो बिल्कुल बदसूरत दिखने लगता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट ट्राई जरूर किया होगा। एक अच्छा और अट्रैक्टिव लुक आज की सोसाइटी में जरूर, लेकिन आपको अपने चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका डिसीजन आप लेंगे या 2 मिनट की एड में आने वाला कोई सेलिब्रिटी जो खुद भी उस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करता है। अब इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार मैं अपने चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करूं, मैं अपनी बॉडी को यंग रखने के लिए क्या करूं। वेल, घबराइए नहीं, इसके लिए ना तो आपको स्किन केयर के ऊपर PhD करने की जरूरत है और ना ही होम रेमेडीज का कोई क्रेज कोर्स करने की जरूरत है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपको अपने स्किन केयर के लिए किसी भी तरह के प्रोडक्ट की कोई जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी और आप हमेशा जवान दिखोगे। अब आगे के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ वो $1 मिलियन इन्फॉर्मेशन है, तो अब यहाँ से आगे के वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। वैसे तो हमारी बॉडी हर तरह के खाने को हजम कर लेती है लेकिन कुछ चीजें फिर भी ऐसी होती है जिन्हें हजम करने में हमारी बॉडी को उसकी नानी याद आ जाती है, और जब हमारी बॉडी वो खाना अच्छे से हजम नहीं कर पाती या फिर उसमें ज्यादा टाइम लगता है तब वो खाना हमारे शरीर के अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। यही सड़ा हुआ खाना आगे जाके हमारे स्किन प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। पर अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से अपनी बॉडी को इजीली डिटॉक्स कर सकते हो। सबसे पहली चीज, हफ्ते में एक दिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी में घोल के सुबह खाली पेट पीना है। हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखना कि जिस दिन आपको छुट्टी हो यानी कि जिस दिन आप घर पे हो उसी दिन ये चीज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसे पीने के बाद आपको कई बार बाथरूम जाना पड़े, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसी से आपका पेट अच्छे से साफ होता है। दूसरी चीज है ऑयल पुलिंग। शायद आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और आपको मार्केट में भी ऑयल पुलिंग के लिए काफी सारे ऑयल मिल जाएंगे, लेकिन रिलैक्स, आपको इसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑयल पुलिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि नॉर्मली लोगों के घर पे कोकोनट ऑयल आराम से मिलता है, इसीलिए आप चाहे तो कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो। तो ऑयल पुलिंग के लिए आपको सुबह उठ के ब्रश करने से पहले 1 चम्मच कोकोनट ऑयल से 10 मिनट तक कुल्ला करना है, उसके बाद इसे थूक देना है और ब्रश कर लेना है, और फिर 30 मिनट के बाद आप अपना रेगुलर चाय नाश्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ऑयल पुलिंग करेंगे तब भी आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी। अब बात करते हैं चेहरे की चमक बढ़ाने वाली दूसरी टिप की। चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है गहरी चैन की नींद। मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक रिसर्च के हिसाब से जब तक हम 30 साल के होते हैं तब तक हम अपनी लाइफ के 10 साल सिर्फ सोने में गुजार देते हैं, यानी कि 30 साल के होने तक हम अपनी जिंदगी का 1/3 वक्त सिर्फ सोने में गुजारते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि नींद इतनी इम्पोर्टेंट होने के बाद भी हम इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि अगर हमने इसे सीरियसली लिया होता तो शायद बिंज वॉचिंग जैसी चीजें इस दुनिया में होती ही नहीं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि आखिर गहरी नींद कैसे लेना है। वेल, सबसे पहला मेथड यह है कि अपने रूम में अंधेरा करके सोए। हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक लाइट्स के हिसाब से रिएक्ट करती है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो आपको अपने आप ही नींद आ जाएगी, और ये चीज कभी ना कभी मेरे ख्याल से आपने जरूर एक्सपीरियंस की होगी। इसीलिए सोते वक्त अपने रूम में जितना हो सके अंधेरा करके सोए। अब मानो कि अगर आप किसी के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हैं या फिर किसी और वजह से अपने रूम में कंप्लीट अंधेरा नहीं रख सकते तो आप आई मास्क लगा के भी सो सकते हैं। टिप नंबर 2, टेक्नोलॉजी को कहो टाटा बाय बाय। देखो दोस्तों, साइंस भी इस बात को मानती है कि अगर आप एक अच्छी मीठी नींद लेना चाहते हो तो सोने से 1 घंटे पहले आपको अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि टीवी, मोबाइल, इन सबको बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से ना कि आपको अच्छी मीठी नींद आती है बल्कि आपका दिमाग भी स्ट्रेस और एंजाइटी
से फ्री होता है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपके चेहरे पे नजर आता है और आपकी बॉडी पे भी नजर आता है। दोस्तों एगिंग से बचने के लिए अगली टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी मजेदार है। इनफेक्ट शायद इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इसका असर आपके चेहरे की चमक पे इतना गहरा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ओवर ईटिंग की। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी इंसान को उसका मनपसंद खाना दोगे तो वो दबा के खाएगा, लेकिन इतना दबा के खाने का क्या फायदा अगर आपका शरीर और खासकर आपका डाइजेशन सिस्टम उसे ठीक से हजम ना कर पाए। फिर आगे जाके वही खाना आपकी स्किन के हेल्थ के लिए एक श्राप बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ओवर ईटिंग से बचे कैसे? वेल, इसके लिए एक सिंपल तरीका है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा खाना एक संपूर्ण आहार तभी माना जा सकता है जब उसमें 6 तरह के रस हो। 6 तरह के रस यानी कि मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसेला और तीखा। अगर आपके खाने की थाली में ये 6 के 6 टेस्ट मौजूद है तो फिर थोड़ा सा खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका पेट भर गया है। अब जरा याद करके देखिए कि आपके साथ कभी ऐसा होता है कि दवा के खाने के बाद भी आपको मीठा खाने का मन होता है? वेल, इसका कारण यही है कि आपके खाने में ये 6 रस मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके लिए हर बार आपको खाना खाने के बाद कहीं मीठी चीज खाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप खाने बैठो तो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ और साथ में थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लो। इसके अलावा अपनी ओवर ईटिंग की आदत को कंट्रोल करने के लिए आप सैलेड भी खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखो कि आपको सैलेड अपनी मील से पहले यानी कि खाने से पहले खाना है। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली खाना कम खाएंगे। सब्जियों में पानी बहुत ज्यादा होता है और जिस चीज में पानी बहुत ज्यादा हो उसे हमारी बॉडी आराम से हजम कर लेती है। इसीलिए अगर आप सैलेड पहले खाएंगे तो आपकी बॉडी उसे आराम से डाइजेस्ट कर लेगी और आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अल्टीमेटली आपके चेहरे की एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अब 4थी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक $1,000,000 एडवाइस है। अगर तुम मेरी पहली 3 बातों को ना मानो और सिर्फ इस 4थी बात को अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लो तो सिर्फ इसे एक सिद्धांत की वजह से तुम्हारे चेहरे पे कभी भी बुढ़ापे के बादल नजर नहीं आएंगे। ये 4थी बात सिर्फ एक टिप नहीं है, मैं तो कहूंगा कि आप इसे अपना जीवन मंत्र बना लो। तो आप पूरे ध्यान से सुनो कि आपको करना क्या है। आपको एक अर्ली बर्ड बनना है। देखो यार, बिल्कुल सिंपल सा मैथ्स है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तुमने भी अपने बचपन में खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी जरूर सुनी होगी। सबको पता है कि तेज खरगोश एक कछुए से सिर्फ इसलिए हार गया था क्योंकि एंड मौके पे उसे नींद आ गई। मंजिल सामने थी पर उसने सोचा कि अब तो बस मैं ही जीतने वाला हूँ, वो कछुआ यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाएगा, तो चलो एक झपकी ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद हाथ में आई हुई जीत चली गई। हमारे वेद और पुराण भी इस बात को मानते हैं कि अगर हमें अपने चेहरे को एक लंबे अरसे के लिए जवान बनाए रखना है तो सुबह सूरज उगने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दो। और अगर आपको वेद पुराण वगैरह पुराने जमाने के विचार लगते हैं तो रोबिन शर्मा की 5 AM क्लब बुक एक बार जरूर पढ़ लेना। उन्होंने भी अपनी इस किताब में क्लियरली लिखा है कि दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग ब्रह्म मुहूर्त में अपना बिस्तर छोड़ के काम पे लग जाते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है वो सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं और ऐसे लोगों के चेहरे पे आप आसानी से एक मैग्नेटिक चमक देख सकते हो। पर अब सवाल आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे कैसे, क्योंकि हमें तो सूरज सर पे चढ़ने के बाद भी बिस्तर छोड़ने से आलस होती है। तो इसके लिए मैं आपको 3 आसान चीजें बताने वाला हूँ, गौर से सुनिए। सबसे पहली टिप है, रात को जल्दी सोने की आदत डालो। मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूँ। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो सोने जाते हैं तो उनके दिमाग में काफी सारे विचार, काफी सारे थॉट्स चलते रहते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, 2024 का इलेक्शन कौन से पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, ऐसे काफी सारे थॉट्स रात को सोते वक्त आपके दिमाग में घूमते रहते हैं जिसकी वजह से आपको नींद ही नहीं आती। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप देर रात तक अपने मोबाइल पे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। इसीलिए रात को सोने से 1 घंटे पहले अपना मोबाइल साइड में रख दो। हाँ, शुरू शुरू में हो सकता है कि ये चीज आपको इतनी कंफर्टेबल ना लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आजकल हम लोगों को बिंज वॉचिंग की बहुत बुरी हैबिट लग गई है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो या फिर आपको लगे कि मोबाइल साइड में रखने के बाद भी नींद नहीं आ रही है तो कुछ मत करो। आप थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं या फिर घर पे ही वॉक कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये चीज ट्राई करना है और 1 हफ्ते के बाद आपका स्लीप साइकिल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टिप, आप एक एक्साइट मॉर्निंग रूटीन का प्लान बना लो। जरा सोच के देखो, जिस दिन अगली सुबह कोई अर्जेंट काम होता है, कोई इंपोर्टेंट मीटिंग होती है या तो फिर कहीं बाहर जाना होता है तो आप इतनी एक्साइटमेंट में होते हो कि अगली सुबह आप ऑटोमेटिकली उठ जाते हो। तो बस इसी तरह से आपको सुबह के लिए एक एक्साइटिंग रूटीन तैयार करना है। काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है कि वो सुबह जल्दी उठ तो जाते हैं लेकिन उठने के बाद क्या करना है उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए कई बार लोग वापस सो जाते हैं। तो सिंपल सा आइडिया है, सुबह उठ के आर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करो, कोई भी एक्टिविटी करो। लाइक अगर आप चाहो तो सुबह उठ के ड्रॉइंग या पेंटिंग ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, या तो फिर आप सुबह उठ के वैदिक मैथ से सीख सकते हो। ऐसी काफी सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज आपको इंटरनेट पे आराम से मिलती है। आप हर रोज के लिए अलग अलग एक्टिविटी सेट कर सकते हो और इसी एक्टिविटी के बहाने आप सुबह आराम से जल्दी उठ जाओगे। और फाइनली अब मैं आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो किए बिना एक नेचुरल सुंदर आकर्षक चेहरे की कल्पना करना नामुमकिन के बराबर है। आप दवाइयों की मदद से,
कॉस्मेटिक की मदद से, सर्जरी की मदद से अपने चेहरे का निखार एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक बना के रख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक लाइफ टाइम ग्लोइंग फेस चाहिए, अगर आपको एक नेचुरली चमकता चेहरा चाहिए, आपको यंग चेहरा चाहिए, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। और इस मेथड का नाम है शुद्ध ब्रह्मचर्य। अब यहाँ पे मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैंने कहा शुद्ध ब्रह्मचर्य। अक्सर जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो लोगों का फोकस इसी बात पे होता है कि गंदी फिल्में नहीं देखना है, गंदा कंटेंट नहीं देखना है, अपने दिमाग में गंदे विचार नहीं आने देना है और किसी तरह से अपने वीर्य का नाश नहीं होने देना है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से ब्रह्मचर्य को अपनाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आपको अपने खाने से करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी कहावत है, जैसा आहार वैसे विचार। जैसा खाना आप खाओगे वैसे ही आपके दिमाग में ख्याल आएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाएंगे तो इससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में गंदे ख्याल ही आएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक ब्रह्मचारी को गलत संगत से दूर रहना चाहिए। मैंने ये चीज कई बार नोटिस की है कि जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो कई बार आप कुछ ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनके अंदर गंदी आदतें कुट कुट के भरी होती है, और फिर कुछ वक्त के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि उनकी गंदी आदतें आपके अंदर कब आ गई। तो समझदारी इसी में है कि दोस्त भले ही कम हो पर काम के हो। आपकी स्टूडेंट लाइफ आपका एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। अगर उस वक्त आप अच्छी आदतें डाल लेते हैं और शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका भविष्य ठीक वैसे ही चमक उठेगा जैसे पूनम की रात में चांद चमकता है। अगर इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को आपने सही तरीके से फॉलो किया तो यकीन मानिए आपको अपने चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की दवाई या फिर कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने काफी रिसर्च की है, काफी मेहनत की है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी फैमिली को शेयर करो।